और काम करना, खुद को प्रूव करना पड़ेगा, एक तरह से ये है। और दूसरा आप लोग जो हेल्थ की बात करते हैं, इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो आजकल हर जगह पे, चाहे हम भी जो है ना वेबिनार सेमिनार से हम भी इतना परेशान हो गए हैं कि हर जगह पे जो है ना वही वेबिनार सुबह से शाम तक आयुर्वेद के अंदर, मॉडर्न के अंदर, इधर से उधर से, इवन इधर जो है ना हमारा जो न्यूट्रिशन के अंदर, न्यूट्रलाइट के अंदर, डाइट वाले ये वाले, पूरा दुनिया एक तरह से जो है ना हेल्थ 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 इम्यूनिटी हेल्थ इम्यूनिटीज में आ गए हैं। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक दो एस्पेक्ट है, एज ए हम एक एकेडमिशियन, एज ए प्रोफेशन या एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से है, और एक एज ए बिजनेस ओनर, एज ए अगर हम एक न्यूट्रलाइट का हिसाब से बात करें, दोनों को मिला के बात करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बायस्ड होकर के हम एक तरफ बात करेंगे तो जो असली चीज है वो छूट जाते हैं। तो यहाँ पे इम्यूनिटी इज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इम्यूनिटी इज बॉडी का है, बॉडी का इम्यूनिटी का मतलब केवल एक इम्यूनिटी को आप स्ट्रांग नहीं कर सकते हो आप। दूसरा क्या है कि इसका एग्जाम्पल बताता हूं, अगर आपको डायबिटीज को ठीक करना है, डायबिटीज को ठीक करना है तो डायबिटीज क्या है, पहले इट इज ए लाइफस्टाइल डिसीज, चाहे वो आपका जीन्स लेवल पे जो आपका इतने जनरेशन का जो लाइफस्टाइल है उसके वजह से आपका जीन्स के अंदर जो चेंज आ गए वो प्रोन टू डेवलप डायबिटीज, वो भी एक कंडीशन हो सकता है। आपका जो जियोग्राफिकल या जो एनवायरमेंटल रीजन हो सकते हैं, लाइफस्टाइल रीजन, उसमें आपका डाइटरी रीजन, ये सब कुछ हो सकते हैं। लेकिन कारणों को थोड़ा सा बगल में रख करके अगर दूसरी तरफ अगर हम उसकी ट्रीटमेंट तो करते हैं, तो आज लोगों का क्या रहता है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तुरंत होना चाहिए, इम्यूनिटी तुरंत चाहिए, डायबिटीज तुरंत ठीक होना चाहिए, होगा लेकिन उसी तरह से होगा अगर आप जो है ना 9 months का प्रेगनेंसी को अगर 6 महीने में 7 महीने में अगर आप लोग मतलब डिलीवरी चाहते हो तो जो रिजल्ट आएगा ना वो भी इसके अंदर रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपको डायबिटीज को ठीक करना है तो डायबिटीज तो शरीर के अंदर है, मतलब एक बॉडी के अंदर है, बॉडी एक ही नहीं है, बॉडी माइंड सोल तीनों है, तो ये तीनों मिलकर के लाइफ होते हैं, ये लाइफ का एज ए होल, क्योंकि केवल एक आहार से प्रॉब्लम नहीं हो रहे हैं, आहार के साथ आपका विहार है, आचार है, विचार है, ये सब चीज मिलकर के एज ए लाइफस्टाइल डिसीज के रूप में आपको डायबिटीज आया है। तो क्या आप एक टैबलेट दे करके डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हर एस्पेक्ट को, नो डाउट अगर आपका 500 600 है तो आप इंसुलिन दे करके या आपको जो है ना जिस तरह से आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक दे करके कुछ भी करके आप उस समय उसका जो सीवियरिटी जो डैमेज को बचाने के लिए जो कर सकते हो करके शुगर लेवल को कम करना है। लेकिन शुगर लेवल को कम करना इज नॉट ए ट्रीटमेंट, कंप्लीट ट्रीटमेंट फॉर द डायबिटीज, क्योंकि इसका रिवर्सल के लिए आपको वो अलग अलग स्टेप, इट इज आल्सो ए प्रोसेस है। तो जस्ट लाइक अभी हम जो बिजनेस में सक्सेस प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, तो वो पहले जो था वो नॉर्मल था बिना डिसीज का, लेकिन उस कंडीशन को हमने बिगाड़ दिया है, जब बिगाड़ दिया तो अब नॉर्मल हो गए, तो उसको नॉर्मल में ले आने के लिए भी हमें वो प्रोसेस रिवर्स प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, उसी स्पीड उसी लेवल पे उसी इंटेंसिटी से हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप है ना वो सब करते समय आपका मतलब डाइट को भी देखना है, एक्सरसाइज को भी देखना है, स्ट्रेस लेवल को भी देखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी देखना है, इम्यून सिस्टम को भी देखना है, स्ट्रेस, ये सब कुछ कंप्लीटली अगर आप वो फोकस करके करते हो तो डायबिटीज एक क्वालिटी तरीके से आप कम कर सकते हो। अदरवाइज आपका जो भी लाइफ स्टाइल जिसके वजह से डायबिटीज हुआ है वो तो वैसा ही है, आप केवल एक टैबलेट लेकर के ऊपर ऊपर से डायबिटीज को कम कर रहे हैं, तो कैसे डायबिटीज ठीक होगा? इन द सेम वे इम्यून सिस्टम भी ही ऐसा ही है, क्योंकि कोई भी सिस्टम है तो उसका एक सेल्यूलर लेवल होता है। जैसे अगर हम इम्यून सिस्टम समझ रहे हैं, 60% ऑफ द इम्यून सिस्टम रिसाइड्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि जब तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं रहेगा तो आपका इम्यून सिस्टम सही हो ही नहीं सकते हैं। यानी अगर आप थोड़ा सा ओवर ईटिंग किया तो भी आपका इम्यून सिस्टम गड़बड़ाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन उस ओवर ईटिंग को कितने सिस्टम मिलकर के उसको मतलब कमबैक करेंगे, उसको फेस करेंगे। जैसे हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं डायबिटीज में, जो हम मेडिसिन दे करके देखते हैं
तो हम एक्सपेरिमेंट्स में जो रैट्स को जो है ना एक डायबिटीज प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, उनका अलग अलग मेथड्स है केमिकल, लेकिन उसमें एक मेथड है ओवर फीडिंग। अगर डायबिट वो रैट है ना जो चूहा होता है वो जिसपे आप दवा दे करके देखते हैं, उसको आप ओवर फीडिंग दे दीजिए तो उसको डायबिटीज होता है। क्या हमें नहीं होगा क्या डायबिटीज? क्योंकि वो ओवर फीडिंग अनेदि एक दिन दो दिन का नहीं है, वो लगातार लगातार जा रहे हैं, वो हमारा जो जो भी हम ले रहे हैं वो ग्लाइसिमिक इंडेक्स इतना ओवरलोड हो जाते हैं, वो हमारा जो है ना वो बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब भी नहीं हो पाते हैं, तो वो धीरे धीरे वो डायबिटीज के कंडीशन में आते हैं। वो टेक्निकलिटी में जाना थोड़ा सा वो रहता है, बट अल्टीमेटली क्या है, जो हम सुपरफिशियली समझ रहे हैं उससे सुपरफिशियल रिजल्ट ही मिलेगा। अगर इसको ढंग से समझना है, इंस्टेंट इज डिफरेंट। अगर हम इंस्टेंट चाहिए तो आप जो है ना अश्वगंधा दीजिए, तुलसी दीजिए, वासा मुलेटी सुरसा दीजिए, ये तीनों मतलब जो प्रोडक्ट ऐसे हैं ये बहुत इंस्टेंटली काम करने वाला है, उसके अंदर बायोसी ये आपको तुरंत काम करेगा। लेकिन आपको जो है ना इम्यूनिटी एक होता है अक्वायर्ड एंड एक होता है इननेट, जो आपका बॉडी के अंदर ऑलरेडी है, यानी एक तरह से देखा जाए तो एक कॉम्पाउंड इफेक्ट के हिसाब से आपका लाइफस्टाइल के हिसाब से जो इम्यूनिटी आएगा वो एक बेस रहेगा आपका। लेकिन उसके ऊपर जो है ना आप अगर इम्यूनिटी को तुरंत जो चाहिए वाला है ना वो आप इन चीजों से ले सकते हो। आप इसमें भी जो प्रोडक्ट्स है ना, आज हम बहुत सारे इस चीज को थोड़ा सा उतना फोकस नहीं हो रहा है, लेकिन जो दो छूट रहे प्रोडक्ट्स वो है आपका कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड एकिनेशिया। ये दो प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी में उतना ज्यादा इस बीच में प्रमोट नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे ग्रुप के अंदर लाखों रुपए का सामान जो है ना एक डॉक्टर था पीडियाट्रिशियन वो निकालते थे, केवल एक ही प्रोडक्ट है वो है सीएफवी। वो डेंगू फीवर के अंदर जो जिस तरह से वायरल है वो भी उस फीवर के अंदर जितना जो प्लेटलेट्स काउंट का जो प्रॉब्लम रहता था उसको उन्होंने तुरंत जो है ना उसके माध्यम से ठीक करते थे, उतना है। क्योंकि हमने उसका जो जितना स्टडी किया है उसके अंदर जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स है, जस्ट लाइक अगर लाइकोपिन है वो कैंसर को भी रोकता है, तो यानी वो एंटी एक्सीडेंट प्रॉपर्टी उसके अंदर इतना स्ट्रांग है। बस ये है कि उसमें थोड़ा सा कास्ट ज्यादा है, लेकिन जो कास्ट का कोई मैटर नहीं है, उन लोगों को जो है ना ये तीन प्रोडक्ट्स के साथ साथ अगर कोई ट्रिपल गार्ड एकिनेशिया प्लस जो है ना अपना ये कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल ये अगर ले लिया तो बहुत ही इफेक्टिव एंड बहुत इंस्टेंट बहुत स्ट्रांगली काम करेगा। ये है एक तरह से जो आपको तुरंत के उसमें। लेकिन अगर हम फाउंडेशन की बात करते हैं तो अगर आपका बेसमेंट ही नहीं है तो आप दीवार कहाँ बनाओगे? तो उसके लिए आपके पास जो प्रोटीन है, डेली है, ओमेगा है, ये जो फाइबर है, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही प्रॉपर नहीं रहेगा, उसके अंदर त्रिफला भी आता है, वो डिपेंड करेगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से बिगड़ता है? आपके आहार विहार आचार विचार वहां से बिगड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज्यादा बिगड़ने का है आपका स्ट्रेस है। जहां पर स्ट्रेस है तो ऑटोमेटिकली आपका डाइजेशन, आप सही खाना खा रहे हो तो भी जो है ना वो खाना ढंग से पचेगा नहीं, वो आपका शरीर को लगेगा नहीं। यानी कहने का मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। दूसरा है जो गट बायोम है, बायोसी वहां नेचुरल भी वहां पे बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि हम जो खान पान अपना जो इधर उधर का जो हम सही तरीके से खा नहीं पाते हैं, जो उसके लिए अनुकूल नहीं है, उसके वजह से हमारा जो गट बायोम है, जो हमारा जो शरीर का जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा को हेल्दी बना कर रखते हैं, वो वहां से खत्म हो जाते हैं। उसको वहां पे रहने का जो है ना एक तरह से घुटन होता है, वो खत्म ही हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में वो काम जो है ना नहीं हो पा रहे, तो वहां पे आपका त्रिफला काम करेगा, प्लस आपका वहां पे नेचुरल भी काम करेगा। और साथ साथ जो है ना जो फाउंडेशन के लिए वहां पे फाइबर और नेचुरल भी एंड त्रिफला, ये तीनों काम करेगा वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। और साथ साथ आपका जो है ना प्रोटीन, डेली, ओमेगा, वो एक तरह से फाउंडेशन आपका जो है ना बेसमेंट का काम वो करेगा। यानी एज ए होल अगर आप देखा जाए तो ये पूरे की पूरी रेंज जो है ना न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्यून सिस्टम में काम, इम्यूनिटी के लिए काम करेगा। ये डिपेंड करेगा जो पर्सन उनका अवेयरनेस कितना है, उनका एक्सेप्टेंस कितना है, उनका बजट कितना है, ये सब चीजों पे डिपेंड करता है। अदरवाइज जो है ना एक तरह से आपको जितना आप जो पर्सन के हिसाब से मिनिमम लेना है, इंस्टेंट लेना है,
या आपका जो पुराना जो उसी हिसाब से लेना है, फाउंडेशन एज ए होल लेना है, वो आपको देख करके ले सकते हो। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है लास्ट में, आपका जो लाइफस्टाइल है, हम तो ये तो न्यूट्रिशन दे रहे हैं, मेडिसिन या न्यूट्रिशन दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपका जो एज ए होल लाइफस्टाइल, स्ट्रेस फ्री रहना या बाकी चीज है ना, उसको भी आपको ध्यान रखेंगे तो एक तरह से वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं, कंप्लीट प्रोटेक्शन हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो कोविड या इस तरह के, इसके अलावा कोई भी और भी आ जाए, तो हम बाहर से ज्यादा हम अंदर से मजबूत करना जरूरी है। हमारा आयुर्वेद भी इसी चीज को फॉलो करते हैं कि आप अंदर से मजबूत रहो। अगर आपके पास है ना, बाहर अगर भूकंप या अर्थक्वेक आ रहे हैं, तो वहां पे अच्छे अच्छे बिल्डिंग भी जो है ना, इधर उधर हो जाते हैं। अगर आपका स्ट्रांग कोई ऐसा चीज आ गया तो आपका प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर अंदर से मैक्सिमम आपका सोशल डिस्टेंस या आपका जो भी चीज है, वो एक लिमिटेशन तक वो काम करेगा, क्योंकि जो हमें बताया जा रहा है वो सब चीजों को हमें फॉलो करना है। उसका कितना साइंटिफिक बेस है, साइंटिफिक रीजन है, क्या है, वो सब एक डिफरेंट वो है। लेकिन हमारा जो कल्चर है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो माइंड सेट है, हमारा जो हैबिट्स है, वो सब चीज एज ए होल मेर करके, इसके साथ में जो है ना, प्रोडक्ट्स के साथ में वो जो है ना, इवन ब्रिट सिस्टम, आपका एक होप मिलेगा, एक जो है ना पॉजिटिविटी मिलेगा, वो भी आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा।